वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जोकर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। जोकर, जिसे मेरे शो में मुंबई में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था एंड मैं खुद इसको देखकर लिटरली स्पीकिंग पागल हो गया था एंड आई वाज लाइक वाओ, फिल्म बने तो ऐसी बने। एंड जब से फिल्म आई है, यू नो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक, यूट्यूब हो, सब जगह लोग यही कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर जोकर हिंदी में बनेगी तो उसमें कौन होगा। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, अगर हमारे बॉलीवुड सिनेमा वाले ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाएंगे तो वो इंडिया में नहीं चलेगी, चाहे वो कोई भी स्टार हो। क्योंकि गाइस, इट टेक्स गट्स इंटरनेशनल लेवल पे। वो भी टॉड फिलिप जैसे डायरेक्टर ऐसी फिल्म जब बनाए तो उसे बनाने के लिए भी, ऑडियंस का थिएटर में जाने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। एंड गाइस, दिस फिल्म हैज टर्न्ड आउट स्पेक्टेक्युलर। इट्स फायरिंग ऑल सिलेंडर्स एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। लेकिन इंडिया में इस फिल्म इज अ सुपर हिट। लिमिटेड रिलीज थी, 650 to 700 स्क्रीन्स थे, बहुत ही कम यू नो इसमें रिस्क फैक्टर था। एंड फिल्म हिट हो गई है, सुपर हिट अब चल रही है एंड आने वाले दिनों में मिनिमम टू मिनिमम 70 crores प्लस इसका लाइफ टाइम होगा और एक ब्लॉक बस्टर डिक्लेयर हो जाएगी इंडिया में। बात करें इसे कलेक्शन की तो गाइस स्टार्टिंग से बताऊंगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो ट्रेड का फिगर आ रहा था जो कि एकदम बेकार था। मैं आपको ऑफिशियल फिगर बताऊंगा रिपोर्टेड बाय डीसी। वेल फ्रेंड्स, वेडनेसडे इस फिल्म ने 5.15 crores, यस फ्रेंड्स, 5.15 crores की कमाई की थी, जो कि अपना नेशनल हॉलीडे थी, यानी कि गांधी जयंती के दिन 2 तारीख को। 3 तारीख को इस फिल्म ने थर्सडे को 3.35 crores थोड़ा गिरी, ऑब्वियसली छुट्टी का दिन नहीं था, नॉर्मल वर्किंग डे था। फ्राइडे ऑब्वियसली जंप हुआ फिल्म 3.65 crores एंड सैटरडे वॉज अ हॉलीडे एंड सैटरडे इसने गांधी जयंती से ज्यादा कमाया, 5.25 crore रुपीज। माइंड यू, IMAX वर्जन ऑफ जोकर हैज हेल्प्ड द कलेक्शंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। IMAX में टिकट प्राइसेस भी ज्यादा रहते हैं एंड इसी का कारण है कलेक्शंस को बहुत अच्छा बूस्टअप मिला। एंड संडे वॉज अ स्मैश आउट ऑफ द पार्क, 5.60 crore, यस फ्रेंड्स, 5.60 crore। और जोकर का सबसे बड़ा हैंडीकैप, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये एक ए रेटेड फिल्म थी। एक अडल्ट फिल्म के लिए इतना कमाना बहुत ही मुश्किल रहता है। हाँ, कबीर सिंह डिस्पाइट बीइंग एन ए रेटेड फिल्म उसने ये सब बैरियर्स ब्रेक कर दिए, लेकिन जब कोई हॉलीवुड फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलता है CBFC द्वारा तो चेकिंग काफी स्ट्रिक्ट हो जाती है। CBFC टेक्स स्पेशल प्रिकॉशंस के उनकी जो रेपुटेशन है वो खराब नहीं हो, इसलिए सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं सिनेमा हॉल्स में जब आप एडल्ट फिल्म को हॉलीवुड की चलाते हो तब। हिंदी फिल्म में कभी कभी चल जाता है, चल ले ले यार, बच्चा समझ के चल जा देख ले, लेकिन नॉट इन एन इंग्लिश मूवी। एंड गाइस, बात करें मंडे की तो 4.35 crores, जस्ट इमेजिन, मंडे वॉज मोर देन थर्सडे एंड फ्राइडे, विच इज अच्छी अचीवमेंट। यानी कि जोकर सेट हो गई है बॉक्स ऑफिस पे, पब्लिक बस अपना कन्वीनियंट टाइम ढूंढ कर, एक शो ढूंढ कर इसे देखने जाना चाहती है। एंड गाइस, ट्यूजडे का कलेक्शन दो था वो था 5.35 crores, मोर देन गांधी जयंती, मोर देन सैटरडे। दिस फिल्म हैज स्टक एट द बॉक्स ऑफिस एंड स्टक लाइक अ ग्लू एंड लिटरली देयर विल बी नो सैडनेस एट द बॉक्स ऑफिस फॉर दिस फिल्म। एंड इसी के साथ 7 दिनों में जोकर हैज स्मैश्ड 32.70 नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 32.70 crore। अब द मेजर हैंडीकैप, Despite war, highest first week ever in the history of Bollywood cinema, Saiya Narasimha Reddy non-Bahubali record. Despite that, Joker standing its ground and doing so good. This is a victory of cinema. Yes, friends, ये cinema की जीत है, ये Indian cinema गोवर की जीत है। पहली भी आती थी ऐसी फिल्में Hollywood से, मुझे आज भी पता है, मैं एक मॉन्स्टर नाम की फिल्म थी, यू नो क्या इसका नाम, अभी मैं 40 थेरोन, ओके, 40 थेरोन की फिल्म थी मॉन्स्टर। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, मुझे लिया नहीं गया था थिएटर में, मैं कहीं चुपके स्नीकिंग करके गया था। वो इतनी बड़ी फिल्म थी, ऑस्कर विनिंग फिल्म, एंड उसके वो शो पिक्चर देखने गया था, 2 बार शो कैंसिल हो गए थे और तीसरे दिन जब मैं देखा उसके बाद बोला सर ये आखिरी दिन है, इसके बाद फिल्म निकाल रहे हम लोग। ऐसी बहुत सारी फिल्मों के साथ हुआ है, लेकिन अब ऑडियंस इंटेलिजेंट हो गई है, ऑडियंस जा रही है थिएटर में देखने के लिए फिल्में, विच इज रियली गुड। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग पूछ रहे क्या जोकर का हिंदी वर्जन आएगा, नहीं आएगा मेरा भाई, जोकर का हिंदी वर्जन में लाके उसका पूरा सत्यानाश कर देंगे लोग। इंग्लिश में जाओ देखो, इतना डायलॉग बेस्ड मूवी है लेकिन द इमोशंस, वो बंदे ने जो इमोट किया यहाँ से, वही इंपॉर्टेंट है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।